स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में क्लास एट का मैथ एक्सरसाइज 9.23 है ना, 9.3 चल रहा है उसका पार्ट फोर देखेंगे। यानी कि 9.3 का तीन वीडियो बन चुका है, आज चौथा वीडियो है ना, क्योंकि लंबा चैप्टर है, लंबा एक्सरसाइज है, ज़्यादा क्वेश्चन है, तो थोड़ा थोड़ा करके एक टाइप का क्वेश्चन को एक वीडियो में करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को जोड़ने की प्रयास करें, क्योंकि इस लॉकडाउन में, इस महामारी के सीजन में, अगर आपके एक शेयर से किसी का पढ़ाई अगर रुका हुआ वो चालू हो जाए तो ये एक अच्छी बात होनी चाहिए, है ना। तो अच्छे सोच लेकर के वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक ही, कहे कि आप जिस स्कूल में भी पढ़ते होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि आप अपने क्लास में सिर्फ एक ही बच्चे होंगे, कम से कम 15-20 तो ज़रूर होंगे, कितना छोटा स्कूल होगा तो कम से कम अपने सर्कल के लोगों को जानकारी दीजिए, उनको बताइए क्लास हो रहा है इस तरह से, है ना, ताकि उसका भी जो पढ़ाई रुका हुआ है वो फिर से चालू हो जाए और इस लॉकडाउन में घर में बैठकर अपना पढ़ाई को जारी रख सके। तो किसी को मैंने बोला था ऐसे ही कि शेयर कीजिए, तो जवाब उधर से आया कि क्या फ़ायदा है हमको शेयर करके। तो ये तो बड़ा अजीब टाइप का सवाल था, क्या फ़ायदा है। तो फ़ायदा तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको शेयर कीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन कुछ काम बिना फ़ायदा का भी करना चाहिए, है ना। अगर आपका एक शेयर से किसी का पढ़ाई रुका हुआ वो चालू हो जाए तो किसी का भलाई तो हो जाएगा, आपको फ़ायदा ना हुआ लेकिन किसी और का तो फ़ायदा हो जाएगा। तो कभी कभी दूसरों को भी भलाई का सोचिए, है ना, ऐसा नहीं कि मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए बनता, हम पढ़ रहे हैं अपना काम हो रहा है दूसरा से क्या मतलब है। तो मतलब रखा कीजिए थोड़ा सा, है ना, और अपना सोच को थोड़ा सा सही कीजिए, सकारात्मक कीजिए, दूसरों की मदद करने की कोशिश कीजिए, है ना। जैसे अगर हम भी वैसा सोच लेते कि हमको क्या फ़ायदा वीडियो बना के उतना टाइम वेस्ट करके वीडियो लोगों को पढ़ाने का, कोई पैसा तो नहीं दे रहा है, तो फिर नहीं पढ़ाते, है ना। तो हमारा सोच था कि इस लॉकडाउन में, इस महामारी में एक मदद, लोगों की मदद कर सके कुछ, तो औकात तो उतना नहीं था कि पैसा बांट देकर लोगों को मदद करें। तो मेरे पास जो था, मेरे पास जो है उसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ाई भी बहुत बड़ा समस्या था, क्योंकि सरकार ने तो ऑर्डर कर दिया था कि ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कीजिए सभी स्कूल को। अब ऑनलाइन कैसा हो रहा था, देखिए हम भी स्कूल में पढ़ाते हैं और 2-3 स्कूल आसपास है, वो सब का देखें ऑनलाइन क्लास, व्हाट्सएप में ग्रुप बना दिया है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप क्लास वाइज, क्लास 8, 9, 10 इस तरह से, शायद आपके स्कूल में भी वैसे ही हुआ होगा, तो 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास इस तरह का ग्रुप बना हुआ है, हम भी 2-4 ग्रुप में ऐड हैं। तो देखते हैं उसके बाद क्या करते हैं, टीचर जो है, जैसे मैथ का टीचर कोई है तो हेडिंग तो एकदम बहुत अच्छा से मैसेज में लिखेंगे कि बच्चों गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अगर ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.3 करके एकदम सुंदर सा हेडिंग लिखते हैं, है ना। तो आज देखेंगे हम लोग 9.3 चक्रवृद्धि ब्याज, लगता है एकदम अब समझाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद ये लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे वो फोटो डाला हुआ है, फ़ोटो में इसका सोल्यूशन है, ना, बनाया हुआ पेन से, और उसी को फ़ोटो खींच के भेज दिया। तो मैंने शुरू में देखा, मैंने यार ये क्या है, अगर फोटो देखिए यानी सॉल्यूशन देख करके लोग मैथ समझ जाते बच्चे तो फिर स्कूल काहे को जाते, सॉल्यूशन का तो एक से किताब मिल जाता है वहाँ पर, पूरा सॉल्यूशन दिया ही रहता है, उसी को देख के पढ़ लेते, स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है, उतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह का हर ग्रुप में देखे वही हो रहा है, साइंस का टीचर आया उसके बाद चलो बच्चों आज पढ़ेंगे हम लोग कोशिका के बारे में, इतना सा लिखा, उसके बाद नीचे कोशिका का जो चैप्टर किताब है उसी का फ़ोटो खींच के और भेज दी। अब भाई किताब तो सबके पास है ही है, फ़ोटो खींच के भेजने का ज़रूरत है, अगर उतना ही लोग रहता समझदार तो किताबें देख के नहीं पढ़ लेता। तो इस तरह का मतलब समझिए तो बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तब मैंने सोचा कि चलिए सब तो खिलवाड़ कर रहे हैं तो कम से कम हम कुछ करें। तो देखिए कि YouTube ही एक ऐसा साधन है जिसके ज़रिए हम भी पढ़ा सकते हैं
लोगों तक वीडियो बना के भेज सकता है, वीडियो में रहेगा तो समझाएंगे तो समझ में आएगा ही कुछ बच्चों को, है ना। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया और व्हाट्सअप फेसबुक क्या बोलते हैं यूट्यूब में डालना स्टार्ट किया। तो मेरे पास तो कुछ साधन नहीं था वैसा, तो क्या किया मैंने, कॉपी में ही बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि हमको बस मदद करने से मतलब था, लोग हमसे पढ़े। शुरू में तो सोचे थे कि अपना स्कूल का ही आसपास का ही लोग रहेंगे, तो अपना स्कूल वाला ग्रुप बनाए थे वहीं भेजते थे। धीरे धीरे देखे कि बाहर के लोगों भी, पूरा झारखंड के इधर उधर से, धनबाद बोकारो इधर उधर से बहुत सारे जगहों से कमेंट आने लगा कि और आगे पढ़ाइए, अच्छा लग रहा है। तो मैंने फिर और अच्छा से 6 to 8, 10 पढ़ाना स्टार्ट किया और अभी लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और इसी तरह आप लोगों का प्यार बना रहे तो हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। और 6 to 10 ही नहीं, हम ISC BSC इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो होता है तैयारी, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी, यानी जितना भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है सब का तैयारी करा सकते हैं, मैथ और रीजनिंग का, गवर्नमेंट एग्ज़ाम मैथ और रीजनिंग का और साइंस का भी, है ना। तो आप बस हमारे साथ बने रहें, बहुत आगे तक का सफ़र तय करना है। अगर यानी आप अगर हम पर विश्वास कर लिए एक बार, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत आगे तक पहुंचाने के प्रयास करेंगे। स्कूल से लेकर के, कॉलेज से लेकर के नौकरी तक आपको ज़रूर पहुंचा कर रहेंगे। तो थोड़ा लंबा साथ होने वाला है, तो इसी तरह आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए वीडियो को, कमेंट करके बताते रहिए कैसा लगता है, और साथ दीजिए थोड़ा, ताकि हमको भी लगे कि कोई है जो हमको वैल्यू दे रहा है। अगर कुछ वैल्यू ही नहीं मिलेगा तो फिर हम काहे को इतना टाइम बर्बाद करेंगे, है ना। तो और अपना दिमाग में जो कचरा भरा हुआ रहता है कि काहे शेयर करें, जैसे हमको डायरेक्ट किसी ने बोला, हम तो अपना देख ही रहे हैं, दूसरा को दिखाने का क्या फ़ायदा हमको। तो वो सब सोच को बदलिए, अभी से नेगेटिव सोच मत रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, लोगों की सेवा करने की भावना अपने अंदर उत्पन्न कीजिए, है ना। क्योंकि देखिए सेवा करने में जो सुकून मिलता है दिल में, वो शायद कितना पैसा का अंबार भी आ जाए ना, कितना पैसा की बारिश भी हो जाए ना, तो उतना सुकून नहीं मिलता है जितना लोगों की मदद करने का सुकून मिलता है। तो लोगों की मदद कीजिए, है ना। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं आप लोग का मदद करने का, उसी तरह आप भी कोशिश कीजिए दूसरों की मदद करने का, है ना। तो चलिए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए शुरू करते हैं वीडियो को, क्लास को, 9.3 का पार्ट 4। तो देखिए पार्ट 3 में 6 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे, आज देखेंगे 7। तो 4-5 क्वेश्चन हैं आज की वीडियो में, कंप्लीट करने का सोच रहे हैं, कंप्लीट कर ही दे रहे हैं। जो अलग अलग टाइप का है उसको डिटेल से बताएंगे, और जो सेम टाइप का जैसे पहले 3 वीडियो में कर चुके हैं तो उसको थोड़ा स्पीड बताएंगे, है ना। पहले का वीडियो ना देखा हो तो देख लीजिएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, 5% वार्षिक दर से बढ़ती हुई जनसंख्या 2000 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 20,000 हो गई है। 5% वार्षिक दर दिया हुआ है, यानी कि लिख देते हैं उसको, रेट दिया हुआ है 5%, जो कुछ भी दिया हुआ रहेगा, जब भी वर्ड में इसे लिखा हुआ क्वेश्चन रहे तो उसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, जो कुछ दिख रहा है कि वो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। जैसे फर्स्ट में ही दिया हुआ है 5% वार्षिक दर, तो दर मतलब रेट लिख दिए 5%। उसके बाद बोला है वार्षिक दर से बढ़ती हुई जनसंख्या 2000 के अंत में 20,000 हो गई, यानी वर्ष 2000 के अंत में 20,000 जनसंख्या हो गई, ठीक है, जनसंख्या तो बढ़ते हुए, ठीक है, यानी पहले कम रहा होगा 5% वार्षिक, यानी एक एक साल में 5% बढ़ते गया, तो 2000 ईस्वी में, है ना, वर्ष 2000 ईस्वी में हो गया 20,000 जनसंख्या, ठीक है। अब आगे बोला है निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, पहला में बोला है वर्ष 1998 की जनसंख्या, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन समझिए, 5% दिया हुआ वार्षिक, यानी एक साल में 5% बढ़ रहा है जनसंख्या, ठीक, और 2000 में हो गया जनसंख्या, 2000 ईस्वी में हो गया जनसंख्या 20,000, यानी 20,000 जनसंख्या हो गया, कब, 2000 ईस्वी में। हमको पूछा है 1998 की जनसंख्या, यानी 2000 से 2 साल पहले की जनसंख्या पूछा है,
ठीक है, 2 साल पहले 2019-98, मतलब 2 साल पहले की जनसंख्या। तो 2 साल पहले की जनसंख्या कितना रहा होगा? इससे कम रहा होगा, क्योंकि 5-5% हर साल बढ़ रहा है, तब जाकर के 20,000 जनसंख्या हुआ 2000 ईस्वी में। तो 1998 में कितना रहा होगा? तो उससे कम रहा होगा। इससे इतना अंदाज़ा लग रहा है कि 2000 से कम रहा होगा जनसंख्या, ठीक है। कितना कम रहा होगा वो हमको निकालना है। तो टाइम देखिए कितना यहाँ पे दे दिया, 2 वर्ष। यहाँ से पता चल रहा है 1998 और 2000, यानी 2 साल का बात हो रहा है। 2 साल में कितना जनसंख्या बढ़ गया वो दिया हुआ है, और कितना था शुरू में वो नहीं दिया हुआ है। यानी जो शुरू में अमाउंट रहता था उसमें पैसा का बात हो रहा था, तो अमाउंट जो रहता था शुरू में उसको क्या बोलते थे? मूलधन बोलते थे। यानी शुरू में जो, तो यहाँ पे अमाउंट नहीं जनसंख्या की बात हो रही है, तो शुरू में जो जनसंख्या रहेगा उसको क्या बोलेंगे? मूलधन, पी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। मूल जनसंख्या, धन नहीं है जनसंख्या, तो मूल जनसंख्या बोल सकते हैं। यानी हमको ख्याल पी से मतलब है, पी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोल सकते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू तो दिया ही नहीं है, यानी पहले कितना जनसंख्या वो तो नहीं दिया हुआ है, जो बढ़ गया जनसंख्या वो दिया हुआ है। यानी बढ़ जाता था तो उसको क्या बोलते थे? मिश्र धन वहाँ बोलते थे, धन का बात हो रहा था, रुपया पैसा का। इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या है तो क्या बोलेंगे? मिश्र संख्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दिक्कत है, चलो कुछ बोले उससे मतलब नहीं, खाली ऐसे मतलब है, अमाउंट बोलते हैं उसको। यानी टोटल अमाउंट कितना हो गया? तो 20,000 हो गया, ठीक है। यानी आंसर जो आता था वो पहले दे दिया है, अमाउंट पहले दे दिया है, ठीक। अब देखिए टाइम, टाइम तो दिया हुआ है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 2 वर्ष। रेट भी कोई दिक्कत नहीं, आर दिया हुआ 5% दर, ठीक। अब क्या करें? देखिए पी नहीं दिया हुआ है, यानी पी हमको निकालना है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, कौन सा? ए बराबर पी इंटू 1 + R/100 का पावर एन, ठीक। ए दिया हुआ है तो रख देंगे 20,000 बराबर पी, पी कितना है? कुछ नहीं है तो रहने देते हैं पी, ठीक। 1 + R, R दिया हुआ 5/100 नीचे है, और ये n, n में क्या रखते हैं? समय, वर्ष की संख्या, कै वर्ष? 2 वर्ष। तो यहाँ लिख देंगे 2, कोई दिक्कत नहीं, सोल्व कीजिए इसको। तो कैसे सोल्व करें, चलिए यहाँ सोल्व कर लेते हैं। पहले 101 का 100 और जोड़ेंगे 5, तो 105/100 का स्क्वायर है, मतलब इसी को लिख दे रहे हैं 2 बार, कोई दिक्कत नहीं। हमको पी का वैल्यू निकालना है, यानी ये सब को कर देंगे इधर तो पी निकल जाएगा, ठीक है। तो इधर पहले से है 20,000, ये सब को इधर करेंगे तो क्या होता है? बराबर से इधर या उधर जब भी करते हैं तो प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, गुना रहता है तो भाग हो जाता है, भाग रहता है तो गुना, मतलब पलट जाता है, उल्टा हो जाता है। तो देखिए इधर भी वैसे करेंगे, नीचे है मतलब भाग में है 100 दोनों में, तो 100 इधर आके क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। यानी 20,000 में गुना हो जाएगा कितना? 100 100, 2 को 100 हुआ तो 100 100 गुना कर दिए, क्योंकि दोनों भाग में था, इधर आ गया गुना हो गया, बट्टा ये दोनों ऊपर में है यानी गुना में है तो वो नीचे आ जाएगा भाग में, ऐसा। तो बच गया इधर क्या? पी, सबको इधर कर दिए, यही पी निकालना था, तो पी ये निकल गया, बस इसको अब हमको गुना करना है, भाग करना है, ठीक है। तो चलिए कटेगा तो काट लेते हैं पहले, 5 × 10 5 का 5, 5 × 20 और 3 × 0, 5 × 10 5 का 5, 5 × 8 = 40 और 2 × 0, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा, तो चलिए जो बच गया उसको रख देंगे, लिख देंगे 800 और यहाँ 2 और 2 4 × 0, यानी 800 में और 4 × 0 गुना होगा तो, ठीक। और नीचे 21 × 21 तैयार है पी हमको, है ना। तो 21 को 21 से गुना कीजिए कितना होगा, गुना करके देखते हैं। 21 से 21 डायरेक्ट भी गुना कर सकते, देखिए 6 × 0 बट्टा 21 का 21 का 1 हाथ में 2, 21 × 42 और 2 = 44, ठीक है, 441। अब ये 441 को इससे हमको भाग दे देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो भाग देना पड़ेगा, भाग दीजिए कितना होता है, चलिए भाग दे देते हैं इसको, तो हो जाएगा 441 यहाँ 800, एक बार में होगा 441 का 441 घटाइए 9 1 10, यहाँ बच गया 9, 9 में 4 तो
यहाँ बच गया 7 7 में 4 तो 3, उसके बाद एक जीरो उतर जाएगा यहाँ का, तो 4 8 32 4 9 36, 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा 8 बार में, 8 का 8, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 चौक 32 और 3 35, यहाँ बच गया 2, यहाँ 8 में 2 तो 6, ठीक। अब ये जीरो उतर जाएगा तो 620, 4 दुनिया 8 है, 2 बार में तो 800 से ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा तो 441 का 41, यहाँ 9 11 में 4 घटाइए कितना, 7 3 10 11 7, यहाँ बचिए 5 5 में 4 तो 1, फिर ये जीरो उतरेगा 1700 हो गया, तो 4 चौके 16, 4 बार में जा सकता है, 4 1 4, 4 चौके 16 6, 4 चौके 16 1 17, ठीक है, 6 4 10, यहाँ 8 बजे 8 में 6 तो 2, फिर ये जीरो उतारे तो 260, तो कितना बार में होगा, छोटा हो गया यानी 0 बार में होगा, यानी कि उसके बाद पॉइंट लगा करके फिर ये आगे आते रहेगा। तो जनसंख्या की बात कर रही है तो हम इतना लगभग लिख सकते हैं ना, पॉइंट के बाद वाला लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो कितना 18140, या पॉइंट के बाद में कुछ आ रहा है तो 40 को एक बढ़ा करके 18141 लिख सकते हैं, यानी 1998 में जो जनसंख्या थी रही होगी वो कितना रही होगी 18141। तब इसमें 5 5% हर साल का वृद्धि हुआ जनसंख्या में, तो 2000 में यानी 202 साल बाद जनसंख्या हो गया 20,000, 18,000 था वो हो गया 20,000, 5 5% बढ़ा एक एक साल में इसीलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, अमाउंट दिया हुआ था, प्रिंसिपल हमको निकालना था, ठीक। देखते हैं इसी का अगला क्वेश्चन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेकर के उतार लीजिएगा। इसी का अगला है वर्ष 2002 में की जनसंख्या, 2002, अब बोला है 2002 की जनसंख्या, हमको दिया हुआ 2000 की जनसंख्या, यानी 2000 ईस्वी की जनसंख्या दिया हुआ है और 2002 की जनसंख्या निकालना है, यानी क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल मतलब जो शुरू अभी जो है वो दिया हुआ है हमको, 2 साल बाद 2000 में दिया हुआ है, यानी 2000 और 2002 का निकालना है, यानी बाद का निकालना है, तो बाद वाला निकालना है, इसका मतलब क्या, अमाउंट ए निकालना है, ठीक है, यानी पी शुरू वाला जो रहता है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पी 20,000, ठीक है, तो तभी पी 20,000 का अमाउंट लिखे थे, क्यों लिखे थे, क्योंकि बोला था पीछे साल का निकालने के लिए, ठीक है, तो बढ़ के 2000 हो गया था, इसलिए बढ़ के जो होता है उसको ए बोलते हैं, ब्याज जोड़ने के बाद जो पैसा था उसको ए लिखते हैं, इसलिए ए लिखे थे, लेकिन इसमें 2002 की जनसंख्या पूछी है, यानी इसका 5 5% बढ़ते जाएगा, 2000 अभी है, 20,000 अभी है, उसका 5 5% 2 साल बढ़ेगा, है ना, तो वो पहले का मतलब प्रिंसिपल हम उसको मानेंगे अगर, ठीक है, और हमको ए निकालना है। इसमें टाइम दिया हुआ है कितना, देखिए 2 साल, क्यों, क्योंकि 2000 में ये था और हमको 2002 का निकालना है, यानी 2 साल बाद का निकालना है, तो बाद का निकालना है, इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू दिया हुआ है वो जो वैल्यू है वो, और अगर पहले का निकालना रहता इसका मतलब कि ये जो वैल्यू वो अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक, तो बाद का निकालना, इसलिए इसको पी में लिख दिए 20,000, टाइम 2 वर्ष और रेट तो वही है 5% का दर से सालाना बढ़ रहा है आबादी, हाँ, तो निकाल देंगे डायरेक्ट ए, तो ए का फॉर्मूला पी इंटू 1 + R/100, तो ये तो निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको निकालने में, बहुत सारा क्वेश्चन इसका कर दिए हैं ना, तो शुरू में पी निकालना था तो उसको कर दिए, इसको आप अपने से कर लीजिएगा, छोड़ दे रहे हैं इसको, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर नहीं बने तो कमेंट करके बता दीजिएगा, डाउट क्लास में क्लियर कर देंगे, लेकिन बनेगा ही, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन सतवा चल रहा है, यानी 6 गो उधर हो गया, पहला और दूसरा मतलब 5 5 6 6 गो क्वेश्चन था, यानी 10 15 क्वेश्चन 10 12 क्वेश्चन टोटल कर चुके हैं, तो आराम से बन जाएगा, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आठवां नंबर क्वेश्चन, एक कार 40,000 में खरीदी गई, खरीदी गई मतलब क्या, प्रिंसिपल वैल्यू दिया हुआ है 40,000, ठीक है, 40,000 में खरीदी गई, हाँ, 5% वार्षिक दर, यानी रेट दिया हुआ है 5%, 5% वार्षिक दर से इसका मूल्य का अवमूल्यन हो गया, मतलब वार्षिक दर दिया, अवमूल्यन लिखा हुआ, क्या, अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब होता है कम, ठीक है,
इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इससे पहले जितना पढ़े थे उसमें था कि 5% बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, लेकिन इसमें 5% अवमूल्यन यानी कम हो रहा है, 5% वार्षिक दिया हुआ है, यानी एक एक साल में 5-5% ये जो इसका रेट है वो डाउन हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लीजिएगा अच्छा से, है ना। तो अवमूल्यन रहे इसका मतलब कि कम हो रहा है ना, इससे घट रहा है, 5-5% हर साल घट रहा है इसका जो रेट है वो कार का, है ना। तो निकालना है कि 2 वर्ष बाद कार का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष बाद कार का मूल्य कितना होगा वो हमको निकालना है। ठीक है, तो अभी दिया हुआ है, अभी है 40,000, और ये 40,000 जो है वो एक एक साल में 5-5% कम हो रहा है, तो एक साल में 5% कम होगा, फिर उसका अगले साल में फिर 5% कम होगा, तो 2 साल बाद कितना इसका रेट रह जाएगा वो हमको निकालना है, यानी कितना अमाउंट रह जाएगा वो निकालना है। ठीक है, लेकिन क्या घट रहा है, तो घट जब भी घटने की बात हो, कम होने की बात हो, तो फार्मूला हम देखिए यहाँ पे पी इंटू वन यहाँ प्लस लिखते थे, तो घटने की बात हो रहा है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ठीक है, बढ़ने में प्लस लगता है और घटने में माइनस, तो यहाँ कम हो रहा है या घट रहा है तो माइनस लगाएंगे, उसके बाद वही सब रहेगा आर बाई 100 का पावर एन। तो पी कितना है 40,000, 1 माइनस आर कितना है 5, नीचे 100 का पावर 2, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको अच्छा कर दे रहे हैं, माइनस में है तो ऐसा मत सोचिए कि माइनस में है तो कुछ दूसरा होगा, वैसे ही बनेगा, ये उतर जाएगा, इसको घटाएंगे तो देखिए कैसे घटेगा, ये 1/1 है यानी भिन्न में है, तो भिन्न में बताते हैं कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब जोड़ते या घटाते हैं, तो 100 एक से मल्टीप्लाई हुआ तो 100 एक 100, और ये 5 एक से होगा मल्टीप्लाई, तो 5 एक 5, 100 यहाँ 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 5, तो 100 में 5 घटेगा तो 95। अब चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 100 का 100 माइनस 5 एक 5, और फिर नीचे नीचे गुना होता है उसको, नीचे तो नीचे 100, तो इसके आगे आएगा 95, है ना। तो ये इस लाइन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए एक बार करके दिखा दे रहे हैं, तो ये हो गया इतना, 100 में 5 घटाइए, 95/100 स्क्वायर है इसलिए लिख देंगे इसको 2 बार, तो इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, इससे डायरेक्ट यहाँ भी आ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट समझ के, हाँ। तो चलिए अब काटते हैं, 2 0 2 0 कट गया, यहाँ से भी 2 0, यहाँ से भी 2 0 कट गया, तो जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हो गया आंसर, तो इतना बच गया है। ठीक है, गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 9 चौके 36, 37 38 गुना 95, यानी 380 को गुना करना है 95 से, तो 5 0 0, 5 8 40, 5 3 15 और 4 19, 9 0 0, 9 8 72 का 2 हाथ में 7, 9 3 27 और 7 7 कितना हुआ 34, 0 0, 9 2 11, 4 5 6 3, यानी 36,100 रुपया उसका रेट रह जाएगा 2 साल बाद, 5-5% घट रहा है, तो 40,000 दाम था वो हो गया 36,100, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रयोगशाला में कितनी एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.1/2 प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है, यानी रेट दिया हुआ है 2.1/2% प्रति घंटा। ठीक है, कितने घंटे से बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ने की बात हो रही है, वृद्धि की। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 15,000 थी, शुरू में 15,000 थी, तो शुरू में जो रहता है उसको मूलधन बोलते हैं, तो मूलधन यानी पी से लिखते हैं कितना 15,000, हाँ। तो 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या, यानी टाइम दिया हुआ 2 घंटा, 2 घंटा बाद बैक्टीरिया कितना होगा रहेगा वो हमको निकालना है। ठीक है, यानी कितना घट रहा है, एक एक घंटा में इतना परसेंट घट रहा है, 2.5% है ना, 2 और आधा 2.5% कम हो रहा है एक एक घंटा में। ठीक है, तो 2 घंटा बाद कितना बैक्टीरिया रहेगा अगर अभी 15,000 है, तो हमको वो फाइंड करना है। यानी इसमें भी देखिए एन में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ भी घंटा है प्रति घंटा, और ये भी घंटा में दिया हुआ है ना, उसमें क्या था वर्ष में दिया हुआ था, तो टाइम भी वर्ष में रहता था, तो उसी को रखते थे पावर में, तो वही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ वर्ष की जगह घंटा दिया हुआ है, तो उससे घबराना नहीं है,
डायरेक्ट फार्मूला वही लगाइएगा, पी इंटू वन प्लस आर बाई 100 का पावर एन। पी देवल है 15,000, ए प्लस आर है ये, इसको सॉल्व करिए, दो दूनी चार आर एक पाँच, मतलब इसको पूर्णांक करेंगे तो 5/2 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 5/2 और नीचे 100 भी है, तो 100 पावर एन मतलब 2। ठीक, तो 15,000 इंटू 200 हो गया ये, 200 को 1 से गुना करेंगे तो 200 एका 200 और जोड़ना 5 है, तो 205/2 200 एका 200। ठीक, स्क्वायर है इसलिए लिख देना दो बार, कोई दिक्कत नहीं होगा आगे इसको सॉल्व करने में, काटिए ऊपर नीचे जो बचिए उसको गुना करके भाग दे देना है। ठीक है, इसको भी छोड़ दे रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके हैं इसलिए अब खाली समझिए, ऐसे अब गुना करने की बात है, खाली गुना कर लीजिएगा डायरेक्ट, है ना, वरना अगर सबको सॉल्व करते चले तो फिर इस वीडियो में भी कंप्लीट नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 2×0 2×0 कटेगा, 1×0 1×0 कटेगा, फिर 5 से भी कटेगा, 5×3 15, 5×5 20 है ना, फिर यहाँ कटेगा 5×5 20, 5×5 अच्छा 5 तो बचपन नहीं किया, तो नीचे बचे 4×2 8, ऊपर ऊपर गुना कीजिए और 8 से उसको भाग दे दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। यदि 1000 का मिश्रधन 2 वर्ष में 1102.50 हो जाता है, 1000 का मिश्रधन यानी पी दिया हुआ है 1000, ठीक है, बोला है इसका मिश्रधन 2 वर्ष में यानी टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, मिश्रधन यानी अमाउंट ए बोलते हैं, ए बोला है 1102.50, यानी क्या बोला क्वेश्चन देखिए, 1000 रुपया है वो अगर 2 साल बाद 2 वर्ष बाद हो जाता है 1102.50, तो बताना है कि किस रेट से पैसा बढ़ा, रेट हमको निकालना, रेट देखिए आर कहीं पे नहीं दिया हुआ है, ये आर हमको निकालना है यानी दर निकालना है कि वार्षिक दर बताइए कितने दर से पैसा की बढ़ोतरी हुई, क्योंकि देखिए पैसा बढ़ा है, 1000 था वो हो गया 1102, यानी कि पैसा बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, तो वो तो घटाने पे निकल जाएगा, लेकिन उसका रेट निकालना कि किस रेट पर बढ़ा है, किस रेट से बढ़ा है यानी कितना परसेंट बढ़ा है वो निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला लगा देंगे सिंपल, ए बराबर 1 + 1 बोलते हैं, पी इंटू 1 + r/100 का पावर होता है एन, तो देखिए अमाउंट दिया हुआ है तो इधर अमाउंट में लिखेंगे इसको, बराबर पी दिया हुआ है तो पी में लिखेंगे 1000, 1 दिया हुआ है तो 1 लिखिए, आर दी नहीं है तो रहने दीजिए आर को, एन दिया हुआ है 2 तो रख देना है। ठीक, यानी कुछ वैसा करना नहीं है, अमाउंट जैसे जो जो दिया हुआ है उसको रख देना है, जो नहीं रहेगा उसको छोड़ देना है, तो उसका वैल्यू निकल जाएगा, ये सब को सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा देखिए, 1000 ये गुना में है तो गुना को इधर करेंगे तो भाग हो जाएगा, होगा ना, तो क्या होगा 1102.50/, ये नीचे आ जाएगा भाग में। ठीक, तो इधर बच गया क्या, इसको अगर जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, चलिए उतार दीजिए, अगर जुटेगा ही नहीं आर में है तो, है ना, तो देखिए इसको भाग देना है, भाग देने का बताए थे तरीका क्या करना है, नीचे अगर 0 0 से ऐसे भाग देना रहता है तो जितना 0 है उतना अंक बाद पॉइंट लग जाता है, तो पॉइंट यहाँ 2 अंक बाद पहले से है, या 3 0 यहाँ है तो यहाँ से पॉइंट गिनाएगा, 1 2 3 3 अंक बाद पॉइंट, यानी यहाँ आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो 1.10250 इतना आ गया, इसको डिवाइड करने पर इज इक्वल टू इधर जो है 1 + r/100, तो ये जो स्क्वायर में दिख रहा है स्क्वायर को बराबर से इधर करेंगे तो रूट अंडर लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है, तो ये स्क्वायर को इधर कर देते हैं, चलिए तो ये बन गया स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट तोड़ना होगा तो यहाँ पर थोड़ा कठिन है, तो स्क्वायर रूट तो तोड़ना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा नियम यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके भी बना सकते हैं, लेकिन अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो भी तो आर में स्क्वायर आएगा, तो फिर इधर आके स्क्वायर रूट करना ही पड़ेगा, तो चलिए इसी का स्क्वायर रूट करते हैं। तो देखिए इसका स्क्वायर रूट का एक स्पेशल चैप्टर था 8th क्लास में है, बता चुके हैं अच्छा से, पॉइंट में रहे तो कैसे स्क्वायर रूट निकालना है, घनमूल कैसे निकालना है ना, वर्गमूल घनमूल सब कुछ बता दिए हैं,
तो आराम से निकाल सकते हैं। किस तरह से? इस तरह से करके निकालते हैं। 1.10250 है, इधर से दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, है ना। देखिए पॉइंट के बाद जीरो को कोई फायदा नहीं, उसको मत लिखिए, इसको 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 पहले एक से करेंगे तो एक एक आए, एक फिर इधर एक जोड़ते हैं तो दो, इधर घटाते हैं तो जीरो। तो इस तरह से आप घनमूल निकाल लीजिएगा। यहाँ तो घनमूल नहीं पढ़ रहे हैं तो इसको हम ध्यान नहीं देंगे अभी, यहाँ काम करने में ध्यान देंगे। घनमूल का जो चैप्टर था वहाँ समझा चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा एक बार। तो देखिए हम इसका घनमूल अगर निकालते हैं तो 1.05 आएगा, ठीक है। आप चाहे तो इस तरह से करके आप निकाल लीजिएगा अच्छे से। और अगर घनमूल में दिक्कत हो रहा है, घनमूल बोलते हैं स्क्वायर रूट, वर्गमूल है ना, वर्गमूल में दिक्कत हो रहा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, चैप्टर देख लीजिए कौन सा चैप्टर में वर्गमूल है, तीसरा या चौथा में है, तो तीसरा या चौथा का जो अभी वीडियो डाला हुआ है सब एक लाइन से है, देख लीजिए तो वर्गमूल निकालने आ जाएगा। तो ये हो गया। हाँ अब देखिए प्लस में एक है तो इधर कर दे रहे हैं, इसको माइनस में तो बच गया इधर R/100, इसमें एक घटाएंगे देखिए तो एक में एक घट गया तो 0.05 बच गया। और ये फिर भाग में है तो भाग को फिर इधर कर देना है तो इधर कर देंगे तो 100 गुना हो जाएगा, इधर बच गया आर, 100 से इसको गुना कीजिए तो आर बराबर देखिए दो को जीरो से जब भी गुना करना हो, एक है और उसके बाद दो जीरो, यानी संख्याओं खाली जिन गुना करना है, 5 का 5 और 2 को 0 है तो 2 को 0 लगा देना है। भाग में 2 जीरो के बाद पॉइंट लग जाता है और गुना में 2 जीरो लग जाता है, ठीक है लास्ट में। तो ये 5 है, 0.05 का मतलब क्या, 5 है तो 5 का 5 गुना कर लेना है संख्या संख्या को, और लास्ट में जितना 0 रहे उतना कर देना है, तो गुना हो गया। देखिए पॉइंट एक दो, दो अंक बाद पॉइंट है तो 1 2 2 अंक बाद पॉइंट, यानी यहाँ पॉइंट लग जाएगा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, आर बराबर 5 के बाद 0 0 है पॉइंट के बाद, तो उसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 5%, ठीक। तो रेट कितना, 5%, यानी 5% की दर से वो जो है वो पैसा बढ़ा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उतार लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 500 का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज, 500 का बोला है यानी मूलधन दिया हुआ है 500, 2 वर्ष में यानी टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, 5% वार्षिक ब्याज यानी रेट दिया हुआ है 5%। तो वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक है तो ब्याज कैसा है, वार्षिक, तो ब्याज वार्षिक है तो हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ब्याज निकाल करके तुलना करना है, अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। यानी दोनों में क्या अंतर है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना का अंतर है वो हमको बताना है, ठीक। तो दोनों ब्याज तो निकालने आता ही है, साधारण ब्याज भी बता दिए हैं, पहला क्वेश्चन था बिना फॉर्मूला का यूज किए उसमें साधारण ब्याज बताए थे, तो साधारण ब्याज निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक, और दोनों को तुलना करना है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, ठीक है। दोनों को अंतर मतलब घटाना है, देखना है किस में ज़्यादा पैसा लग रहा है किस में कम, तो जाहिर सी बात है चक्रवृद्धि में ज़्यादा लगेगा, है ना, इसमें लगता ही ज़्यादा है, कितना ज़्यादा लगेगा वो हमको पूछा है, तो निकालना पड़ेगा साधारण ब्याज। फॉर्मूला होता है PRT/100, तो पी दिया हुआ है 500 गुना रेट है 5 गुना टाइम 2/100, 100 100 कट गया, 5 5 25 दूनी 50, तो साधारण ब्याज आएंगे 50 रुपया। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, क्या मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, और मिश्रधन में मूलधन घटा देते हैं तो ब्याज निकलता है ना। तो मिश्रधन यानी ए का फॉर्मूला होता है P(1+R/100)n, पी देखिए कितना 500 × 1+R कितना 5/100^2, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड बता रहे हैं काहे के बता रहे हैं, काहे के 3 वीडियो बना चुके हैं एक एक्सरसाइज का, वह सब में यही सब कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए सबको स्पीड कर रहे हैं, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। और अगर नया देख रहे होंगे, पहला दूसरा तीसरा पार्ट नहीं देखे होंगे तो थोड़ा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा स्पीड बता रहे हैं, तो पहले वो सबको देखिए, उसमें एकदम आराम से समझाए हैं बहुत अच्छे से, वो सब देखने के बाद ये सब क्वेश्चन अपने से बन जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा सा घूमना फिरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 500 × इसको जोड़ेंगे 100 का 100 और 5 105/100 स्क्वायर है इसलिए लिख देंगे 2 बार,
काटिए 2 0 2 0 कटिएगा, 5 से कटेगा 5 2 10 5 0 0, फिर 5 से कटेगा 5 4 20 5 2 10 5 1 5, अब तो नहीं कटेगा। तो क्या बच गया ऊपर 105 गुना 21, नीचे बच गया 4। 105 को 21 से गुना कीजिए तो 21 बच्चे कितना होगा 105, 21 बच्चे 105 होगा, तो 105 का 5 हाथ में बच गया 10, 21 0 0 हो गया, तो 0 में 10 जोड़ेंगे 10 का 0 हाथ में बच गया 1, 21 का 21 अरे 22 और नीचे 4, इसको भाग दे देंगे तो 4 बच्चे 20, 2 गया 20 हुआ, 4 बच्चे 20 2 2 4 पॉइंट 10 हुआ, तो 4 2 8 फिर 4 5 20 इतना आएगा, इसको भाग देकर लिख लीजिएगा। यानी थोड़ा गड़बड़ बुझा रहा है और ठीक है, तो है हम इससे देख रहे हैं जिसलिए गड़बड़ बुझा रहा था कि इसमें 85 रुपये इसमें 500 पैसे आ गया, तो ये क्या मिश्र धन आया है इसीलिए इतना दिख रहा है ना, ब्याज थोड़ी है ये तो मिश्र धन है। अब यहाँ से हमको ब्याज निकालेंगे तो ब्याज कैसे निकलेगा, यहाँ से ब्याज निकाल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, वहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है क्या अमाउंट माइनस मूलधन पी, तो अमाउंट आ गया कितना 5 5 2.25 माइनस पी, यानी दिया हुआ था मूलधन 500, 552 में 500 घटाएंगे तो 52 बचेगा और पॉइंट के बाद 25 है, तो 52 रुपया 25 पैसा चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है और साधारण ब्याज लग रहा था कितना 85 रुपया, तो 50 रुपया अरे 52 रुपया 52 रुपया है, तो कौन ज़्यादा है चक्रवृद्धि ब्याज। हमको दोनों में अंतर पूछा है तो अंतर कितना का है भाई 50 और 52 यानी 2 रुपया 25 पैसा का अंतर है, ठीक है तो क्या लिख देंगे अंतर बराबर घटा देंगे 52.25 में कितना 50, तो कितना हो गया 2 रुपया 25 पैसा इतना का अंतर है, ठीक। अच्छा 2 रुपया 25 पैसा ना होगा, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ तक तो ठीक हुआ है। अच्छा 22 0 5 ठीक है, 4 5 20 दो गया तो 20, 4 5 20 फिर यहाँ गया तो कितना गया कुछ नहीं है। अच्छा यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हुआ, देखिए यहाँ 4 4 का लिए होगा, 4 1 4 होगा, लगा था कन्फ्यूजन हमको है ना, 4 1 4 होगा वहाँ पे, यानी यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, तो कहाँ यहाँ मतलब 51 रुपया 25 पैसा हुआ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण आए तो 50 रुपया, यानी कितना ज़्यादा हुआ तो 50 और 51 रुपया 25 पैसा यानी 1 रुपया 25 पैसा, तो कितना हुआ अंतर 1 रुपया 25 पैसा, 1.25 रुपया ज़्यादा पड़ गया चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक। तो इतना ही क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में जो कि समाप्त हो चुका है, उम्मीद है कि समझ में ज़रूर आया होगा, और अगर किसी क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन तो कर ही दिए फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो, अगर अपने से बनाने समय कहीं पर डाउट हो रहा है तो वीडियो देख के समझिएगा, फिर भी ना समझ में आवे तो क्या कीजिएगा कमेंट करके बता दीजिएगा एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर, डाउट क्लास में उसको और बेहतर से समझाने के प्रयास करेंगे और आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।